भी पुलिस कांस्टेबल पर गाड़ी चढ़ाने वाले तीन मुलजिमान सांधा से गिरफ्तार। मुलजिमान में शुएब असद अली और तलहा लियाकत शामिल हैं। मुल्तान चुंगी में रुकने के इशारे पर कार सवारों ने गाड़ी अहलकार पर चढ़ा दी थी। यह मनाजिर आप तब के देख सकते हैं जब अहलकार की जानिब से इन कार सवारों को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उनकी जानिब से उन्होंने गाड़ी रोकी नहीं बल्कि अहलकार पर चढ़ाने की कोशिश की। मौजदाना तौर पर अहलकार बच गया था किसी भी हादसे से। और इस वक्त इस मामले के हवाले से पेशरफ से आपको आगाह कर रहे हैं। पुलिस कांस्टेबल पर गाड़ी चढ़ाने वाले तीन मुलजिमान सांधा से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अरसलान हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान हैदर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुल्तान चुंगी ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार फाकत को दुराने ड्यूटी धमकिया देने और गाड़ी तले रोंदने का जो मामला था, लाहौर पुलिस ने वाकये में मुलविस तमाम मुलजिमान को गाड़ी समेत हिरासत में ले लिया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तर्जमान लाहौर पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार फाकत ने गुज़िश्ता रात ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफवर्जी पर कार सवारों को रोका था। कार सवारों ने पहले पुलिस एहलकार को धमकियां दी, फिर गाड़ी भगाकर एहलकार को नीचे रौंद डाला। जमील पार्क मुल्तान रोड लाहौर का रिहायशी कार ड्राइवर शुएब उर्फ शेबी जो है वो गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तार दीगर मुल्जमान में पुलिस एहलकार को जान से मारने की धमकियां देने वाला मंसूरा का रिहायशी असद अली और तलहा लियाकत भी शामिल है। मुल्जमान को सांधा के इलाके से हिरासत में लिया गया और मुल्जमान के खिलाफ थाना गुलचन इकबाल में FIR दर्ज कर ली गई है। SHO सांधा इंस्पेक्टर कमर अब्बास, SHO मुस्लिम टाउन इंस्पेक्टर शजील रियाज, सब इंस्पेक्टर गुलाम बारी और यासिर बशीर ASI जो रिजवान नबी ने यह कार्रवाई की और दीगर पुलिस एहलकारों ने मुल्जमान को ट्रेस करके कानून की गिरफ्त में लिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।